हेलो दोस्तों, मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिवी क्रिएशन DIY पे। मैं वीडियो डाल रही हूँ कैरेटीन का। इसके पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में शैम्पू, कंडीशनिंग और हेयर को ड्राई करने का स्टेप कम्प्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन को लगाना है, तो उसका भी थोड़ा वीडियो मैंने डाल दिया है। सॉल्यूशन को लगाना और फिर सॉल्यूशन को कोल्ड एयर से ड्राई करना है अच्छे से, पूरी तरीके से। जब वो ड्राई हो जाएगा तब आगे के सेक्शंस में आपको सॉल्यूशंस लगाने हैं। यहाँ तक का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। सॉल्यूशन को लगाने का जो तरीका बताया है, सेम तरीका पूरे बालों में यूज़ करना है। एक एक सेक्शंस में सॉल्यूशंस लगाने हैं और उसको ड्राई करना है। अभी मेरा जो सॉल्यूशन है वो ड्राई हो चुका है, तो अभी उसके बाद आता है प्रेसिंग। नेक्स्ट स्टेप है प्रेसिंग। अभी मेरे बालों की प्रेसिंग हो रही है। प्रेसिंग इसलिए करते हैं ताकि जो प्रोटीन सॉल्यूशन बालों में लगाया गया है उसको बालों में लॉक किया जा सके। इसलिए मिनिमम 20 टाइम्स एक सेक्शंस को प्रेस किया जाता है ताकि जो प्रोटीन हमारे बाल में है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाए और बालों में शाइन आ जाए। इससे क्या होता है कि जो आपके बाल डैमेज हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, इसीलिए इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं, ताकि इसमें आपके बाल रिपेयर होते हैं। जो डैमेज हेयर हैं, जो आपके बालों में कैरेटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन नहीं है आपके बालों में, वो रिपेयर होता है, इसको इसीलिए ट्रीटमेंट बोलते हैं, कैरेटीन ट्रीटमेंट। बहुत लोग डरते हैं कैरेटीन कराने से, लेकिन इसमें डरने जैसा कोई बात नहीं होता। ये रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग जैसे केमिकल्स नहीं होते हैं जो आपके बालों को डैमेज करेंगे। इनफैक्ट ये प्रोटीन होता है। आप देखिए, अपने बालों में अंडा लगाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि आपके बालों को प्रोटीन मिल सके, तो वही प्रोटीन है जो हम इसको ऊपर से डालते हैं बालों में और उसको लॉक करते हैं। तो कैरेटीन करने के बाद बालों में वेट आ जाता है, आपके बाल उड़े उड़े फ्रीजी फ्रीजी से नहीं दिखते हैं और आपके बाल काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती। इसकी ड्यूरेशन जो होती है 3 से 3.5 महीने 4 महीने तक होती है। और जब भी आप वॉश करते हेयर को, धीरे धीरे इसकी स्ट्रेटनिंग जाती रहती है। तो जब भी स्ट्रेटनिंग होती है, जब अभी प्रेसिंग हो रहा है, तो आपको 100% स्ट्रेटनिंग दिखेगी बालों में, लेकिन ये धीरे धीरे जाती रहती है और ये 30-40% पे आके स्टेबल हो जाती है। तो आपके बालों में ज़्यादा स्ट्रेटनिंग तो नहीं रहेगी और बाल आपके अच्छे और मुलायम सिल्की रहेंगे। कैरेटीन एक तरीके का प्रोटीन ही होता है, सो इससे बाल अच्छे होते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, बालों में शाइन आ जाती है और आपके बालों का वेट बढ़ जाता है। अभी अगर आपके बाल बहुत फ्रिजी फ्रिजी हैं, थोड़े हल्के से उड़े उड़े रहते हैं, तो अभी मेरे बालों की पूरी तरीके से पूरे बालों की प्रेसिंग हो गई है अच्छे से। और ये लास्ट है जो सेक्शन इन्होंने लिया हुआ है। इसके बाद बालों को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हीट है, गर्मी है, वो निकल जाए। उसके बाद फिर से हेयर वॉश किया जाएगा। जब भी हम स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग कराते हैं तो हेयर वॉश के लिए हमें तीसरे दिन जाना होता है, तो ये वही हेयर वॉश है जो सेम डे हो जाता है। तो अभी ये हेयर वॉश हो गया है मेरा। मैंने हेयर वॉश का वीडियो नहीं बनाया था तो नहीं डाला। हेयर वॉश हो गया। हेयर वॉश होने के बाद ये लुक आ रहा है बालों का। आप देख सकते हैं मेरे बाल पहले से बहुत बेटर हो गए हैं, अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं और बालों में काफ़ी शाइन आ गया है, काफ़ी वेट फील हो रहा है कि हाँ, भारी भारी हो गए हैं बाल। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।